आइए बातचीत करते हैं जम्मू की अदाकारा कुसुम टिक्कू जी से, वो क्या कहना चाहती हैं। हम जैसे कलाकार तो विजय मल्ला जी के बारे में कुछ कहते हैं सर, क्योंकि अभी तो हम इतना सीख भी नहीं पाए थे उनसे जितनी जल्दी वो चले गए। लेकिन एक किस्सा मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी सपना जी, कि मेहंदी हसन साहब गज़ल सम्राट जो हैं उनकी एक बार कॉन्सर्ट था, उनसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से एक लड़का आया है विजय मल्ला, तो वो भी बहुत अच्छे गज़लें गाते हैं। तो मेहंदी हसन साहब ने कहा कि कॉन्सर्ट से पहले चलो पहले उसको ही गवा दो, पहले हम उसकी आवाज़ सुन लें। और जहाँ तक मैंने ये सुना है कि जब उन्होंने गज़ल गाना शुरू किया तो मेहंदी हसन जी ने कहा कि मेरे कॉन्सर्ट के बाद तुम घर नहीं जाओ, और कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने मुझे रोक लिया और वो पूरी रात अपने कमरे में विजय मल्ला जी का गायन सुनते रहे। लेकिन एक दुख एक कलाकार होने के नाते जो मेरे दिल में बवाल करता है वो ये है कि एक कलाकार को जो इज्जत जीते जी मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, आई एम बीइंग ऑफेंडेड दिस टाइम, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित नहीं, वो पद्मश्री के हकदार थे हैं एंड आई प्लीड इट कि उन्हें मरणोपरांत अब पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए। क्यों उन्हें वो सम्मान जीते जी नहीं मिला, क्यों हमारे जम्मू कश्मीर के हर अच्छे कलाकार को पहले मरना होगा, उसके नाम पे श्रद्धांजलि होगी और उसके बाद उस कलाकार के बारे में सोचा जाएगा। और अगर आज भी मैं कह रही हूँ यहाँ पे, अगर आज भी हमारी गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो मेरे जैसे कलाकार से तो आप ये उम्मीद रखिए ही नहीं कि हम आपसे कोई तवक्कु रखेंगे। लेकिन एक कलाकार का जब दिल टूटता है तो आवाज़ से बहुत दूर आसमान को भेज जाए। Oh,
हमारे साथ मशहूर अदीब पी एन कोल साहिल साहब, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आइए सर प्लीज। हमारी खुशकिस्मती है और विजय बल्ला जी की 5वीं बरसी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, जिसे क्या कहना चाहेंगे? एक संज्ञा है कि ये आवाज़, ये योगी आवाज़ है, जिसे योगी मोहिनी कहते हैं, जिसे सरस्वती कहते हैं, किसी के गले पे आ जाती है। वो हमारे मल्ला साहब थे, तो जिन्होंने जम्मू कश्मीर को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं, बरसगीर में अपना नाम रोशन किया है और हमारी ऋषि भूमि का नाम रोशन मशहूर किया है। हर एक जबान के गीत गाकर उन्होंने इतने ही बचपन में ही, छोटे ही, मैं बचपन ही कहूँगा उन्हें, इतने छोटे वो हमसे जुदा हो गए, जो एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन वो जुदा कभी नहीं होंगे, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, जिंदा हैं और जिंदा ही रखेंगे। उनके गवाहकीन के लिए, नए नए गुलकारों के लिए, कलाकारों के लिए, उनका जो उनकी जो देन है वो उनके लिए एक रास्ता है। सर मैं आपको बीच में काट रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना है जहाँ तक कि आपके लिखे हुए काफ़ी गीत विजय मल्ला साहब ने गाए हैं, आप उनमें से कुछ का जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल, पहला ही गीत मेरा दर्शन दोक्षल प्रभु वन लाले पंकोश माले त्रावे न, इस वक्त फर्स्ट गीत जो उसने रेडियो पर गाया मेरा, और जब लास्ट पे उन्हें गाना बाकी रह गया, वो हम आज अपने छोटे नए कलाकार अपने सौरभ जी से सुनेंगे। चला भी गया जिंदगी दूर तलक, बस देखती रह गई। स्वर्गीय विजय मल्ला जी के साथ सबकी कोई ना कोई याद जरूर जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री रविंद्र कौल जी, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बड़े क्रिटिक। यहाँ तक कि जब भी मुझे अपने काम के बारे में कुछ जानना होता है तो मैं सबसे पहले इनसे ही पूछती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, आज आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ रविंद्र जी, कुछ यादों के पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। कुसुम, थैंक यू सो मच। मैं एक दोस्त के बारे में पास्ट टेंस में बोलना बड़ा पेनफुल होता है, और विजय बल्ला जी के साथ मेरा बहुत नज़दीक का संबंध है। जब तक विजय बल्ला जी की आवाज़ जिंदा है, वो कभी उनका जो फ़न है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब तक संगीत ज़िंदा है तब तक विजय मल्ला जी की आवाज़ ज़िंदा रहेगी, जब तक कश्मीरी मौसीकी ज़िंदा है, कश्मीरी लैंग्वेज ज़िंदा है, तब तक विजय मल्ला जी की, विजय मल्ला जी कभी जा नहीं सकते हमारे बीच में से।
और मैं यही कहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई एक बात को लेकर, एक विजय बल्ला जी को आज भी लोग याद करते हैं, उनकी मौसीकी याद करते हैं, उनकी आवाज़ को याद करते हैं, उनके टैलेंट उनके हुनर को याद करते हैं। दूसरी कि एक नई जनरेशन जो पैदा हो रही है, सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की ये थी कि छोटे छोटे बच्चों ने इतना खूबसूरत गाया और विजय बल्ला जी के गीतों को उन्होंने ज़िंदा रखा है। जब तक वो बच्चे रहेंगे, उनके बाद और एक जनरेशन आएगी, उनके बाद और जनरेशन आएगी, इसी तरह विजय बल्ला जी की ज़िंदा रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे और उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन वो हमारे बीच में एक पर्सनैलिटी के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में हमेशा मौजूद रहे। थैंक यू। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 साल गुजर चुके हैं 9 मई 2012 में लेजेंडरी सिंगर विजय बल्ला जी इस दुनिया से रुखसत करके हम सबको चले गए थे। तो आज मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को परफॉर्मेंसेस अच्छी अच्छी लगी होंगी जो अभी हुई हैं सारी। बल्ला जी का गज़लों के साथ बहुत खास ताल्लुक़ रहा था और वो अक्सर गज़लें बहुत गाया करते थे, पसंद करते थे, खुद भी गाना पसंद करते थे। तो मैं एक गज़ल उनकी नज़र करना चाहता हूँ और आप सबके भी, कलाम बशीर बद्री का है और उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आए। शुक्रिया। मेरे सामने कई गुरुजन बैठे हैं, आप सभी से इजाज़त।
मुझ
साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने स्टार कलाकार श्री विजय रैना जी। आइए सुनते हैं विजय मल्ला जी के साथ इनके बिताए हुए कुछ पलों की याद। आज विजय मल्ला की श्रद्धांजलि का दिन है। मैं यहाँ अपने थिएटर में आया था और जितना भी प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, जितने भी छोटे बच्चे ने गाने गए, पुरानी यादें ताज़ा कर जिस बेखूबी के साथ इन नन्हे मुन्ने कलाकारों ने गाने गए, बहुत ही अजूबे की बात है। लगता नहीं था कि इतने छोटे बच्चे इतनी बखूबी से निभाए। और लास्ट में सौरभ झाड़ू जी ने जो गाने गाए वो भी बहुत अच्छे थे। हमारे उभरते हुए कलाकार हैं, आई ब्लेस हिम कि वो आगे तरक्की करें, इससे भी बेहतर गाए। विजय जी के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। सुमियार मंदिर में काका जी सफाया, जो आजकल बॉम्बे में है, वो म्यूज़िक कंपोज किया है। हमारे सुमियार मंदिर में एक शाम रखी थी जहाँ पर भजन गए, तो मुझे भी बुलाया गया था, काका जी सफाया ने बुलाया, और मैं वहाँ रात भर रहा, गाने सुनता रहा विजय मल्ला जी। और सुबह कोई 5 बजे के करीब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फिर विजय मल्ला जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हम झेलम के किनारे मंदिर के बाहर बैठे रहे और 3-4 घंटे वो मेरे साथ लगातार बातें कर रहे। हमें काफ़ी खुशी हुई और मैंने उनसे यही ताकीद की कि तुम इसको सीरियसली लो और आगे बढ़ो, तुम बहुत अच्छे कलाकार बनोगे, तुमने बहुत अच्छा गाया। और उसके बाद वो रेडियो कश्मीर के भजन जी के साथ, भजन जी के कंपोज में अपने कंपोजिशन में गाने गाए, बहुत ही बखूबी से उन्होंने। और फिर माइग्रेशन के बाद वो जम्मू आए और यहाँ भी उन्होंने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया म्यूज़िक के फील्ड में। और इतफाक की बात है कि मुझे भी 3-4 गानों पे एक्ट का, सबसे पहले गाना तो है पी एन शाह साहब का लिखा हुआ, जिसमें पी एन शाह साहब ने एक स्टोरी बनी थी यूसुफ शाह चक और हबा खातून, वो यहीं अपने थिएटर के स्टेज पे प्ले किया और उसको कंपोज़ किया था कुलदीप सपनू ने, बहुत ही अच्छा कंपोज़ किया था। और उसमें मैंने यूसुफ शाही का रोल किया, यूसुफ शाही चक का, और लोगों ने कहा कि ये आपने गाया है, ये आवाज़ आप पर बहुत सूट होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, मानिएगा, उनका लास्ट गाना जो है घर मौकली ये सफ़र, वो मुझ पर पिक्चराइज हुआ है। घर मौकली ये सफ़र सीरियल में उसे मोहन शाह ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया, और ये मेरी खुशनसीबी है कि उस लास्ट गाने में मैं एक्ट किया, मेरे ऊपर वो पिक्चराइज हुआ। आज हमारे बीच विजय मल्ला जी नहीं है, स्वर्गीय विजय मल्ला जी, आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, स्वर्ग में राज करें, और आपको मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, आपको श्रद्धांजलि देता हूँ। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, हम आपको हमेशा मिस करते रहेंगे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और हमें ऊपर से आशीर्वाद देते रहे कि हम भी उनकी छत्र छाया में कुछ करते रहे। धन्यवाद। विजय मल्ला जी के साथ हर शख्स का कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का नाता जरूर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टेट के जाने माने पत्रकार श्री किंगसी भारती जी। हम जानना चाहेंगे उनसे कुछ स्वर्गीय श्री विजय मल्ला जी के बारे में। सर, देखिए, विजय मल्ला जी के साथ मेरा वैसे बहुत क्लोज कनेक्शन नहीं था, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं उनको जानता हूँ और उनके साथ काफ़ी बार काम करने का मौका मिला है। कि आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसका एक बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि विजय मल्ला जैसे जिनको, जैसे आपने बहुत अच्छा किया कि उनको संगीत सम्राट की उपाधि दी,
आज हमारे स्टेट में हमें बोलना पड़ रहा है। पिछले आपको भी पता होगा, पिछले 5-6 महीने से हमने बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट J&K गवर्नमेंट को ये बोलने की कि अगर इस हस्ती को आप एक स्टेट अवार्ड नहीं देते हैं तो फिर किसको देंगे। लेकिन इसमें मुझे 2-3 बातें लग रही हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई, मुझे लगता है, कोई तवक्को रखनी भी नहीं चाहिए, ना ही उनको कहना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज़रूर उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको रिकॉग्नाइज करेगी। लेकिन उससे ज़्यादा एक और बात मैं कहना चाहता हूं अपनी पंडित कम्युनिटी से कि हमें बहुत ज़्यादा इन गवर्नमेंट अवार्ड्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और जिस तरह से आज अथरूट ने और आमनी ने और KPC वगैरह ने, उम्मीद ने जो आज कदम उठाया है, इसी तरह से हमें खुद ही अपने जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे जो आइकन्स हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन ज़रूरी नहीं कि रिकॉग्निशन ही होता है, जो पब्लिक, जैसे आज आपने देखा कि जिस तरह से पब्लिक ने स्टैंडिंग ओवेशन दी या बाकी जितने भी लोग आए थे, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सम्मान है। और आज मैं खुशी इस बात की है कि हमारे जो अपने कल्चर सोसाइटीज़ हैं उन्होंने उनको संगीत सम्राट का सम्मान दिया है, और इससे बढ़कर सम्मान और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक ही अल्टीमेट होती है जो खासतौर से कलाकार को सम्मानित कर सकती है। तो आज बहुत बड़ा दिन है कि उनको संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब उम्मीद करता हूँ कि शायद वो भी जाग जाएं और उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। संगीत सम्राट श्री विजय मल्ला जी म्यूजिक लवर तो थे ही, एक अच्छे कंपोजर और एक गायक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उन्हीं के साथ रहते हुए, उन्हीं के साथ जुड़े हुए कुछ पल स्मरण कर रहे हैं यहाँ पे श्री बीबी बट साहब साथ, जो जेशा देवी प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कुछ श्री विजय मल्ला जी के बारे में। विजय मल्ला जी के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो बचपन से रहा है, इतनी रिलेशन थी हमारी उसके साथ, और उनका एकदम इस दुनिया से चले जाना ये हमारे लिए शौक था। और उनकी जो आवाज़ थी, आवाज़ जो है ये दिल को चीरने वाली आवाज़ है, और ये आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ये एवर लास्टिंग आवाज़ है। और जो आजकल आवाज़ उठी है कि उनको पद्मश्री या पद्मभूषण से नवाजा जाना चाहिए, और बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं। सरखना लज पट
चखा प्याल जो हो उफ के करखना जिंद रोज बापत छी मरा लुख से मरखना लतिपच चखा प्याल जो हो उफ के करखना जिंद रोज बापत छी मरा लुख छुदार अलान पर दित न छुब्रांद दजाम सून न छुदार अलान पर दित न छुब्रांद दजाम सून बावस छु वनान कावस मोलूं करखना लतिपच चखा प्याल जो हो उफ के करखना जिंद रोज बापत छी मरा लुख से मरखना लतिपच चखा प्याल क्यों करखना।